फूका जा रहा है, ये कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है ममता जी। बिल्कुल सुचरिता धन्यवाद। ये जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हुए हैं ना, इनका एक ही मूल मंत्र है, लोग मरे देश जले पर हमारी राजनीति चलनी चाहिए। मतलब हम हमारी राजनीति, हमारे पॉलिटिकल आका, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश से ऊपर है, देश के युवाओं के भविष्य से ऊपर है। इसलिए आज जो मंजर दिखाया जा रहा है उसके समर्थन पे इस हिंसा के, इस आगजनी के प्रवक्ता बन के बैठे अनुराग जी। अनुराग जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, अनुराग जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप थोड़ी सी सभ्यता रख लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने तो कल इसी चैनल के अंदर लोगों को देश के खिलाफ हथियार उठाने की बात करी थी। अनुराग जी आपने कल इस देश के युवाओं को आह्वान किया था और बोला कि जो 75% रिटेंशन के बाद बाहर निकलेंगे वो देश के खिलाफ हथियार उठाएं। आप समाजवादी पार्टी में ये सीखते अनुराग भदौरिया जी, आप इस तरीके की बात करते हैं? आप हिंसा का डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, क्लियरली नेशनल मीडिया पर आकर के समर्थन करते हैं और उसके बाद आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे, अभी असीम वकार जी बोल रहे थे कि जितने भी सेना के लोग हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है उनको निकाल के बाहर कर दो। ये इज्जत है आपकी उन लोगों के प्रति जो सरहदों में जा करके आप लोगों की सुरक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से बिना पलक झपके अपनी जान दे देते हैं, ताकि आप जैसे नाशुकरे लोग एसी में बैठ करके नेशनल मीडिया में आकर के उनके बारे में इस तरीके की बातें कर सके और बोले कि इनको पेंशन मत दो। कल शैलेंद्र ने आपको पेंशन की बात समझा दी है और आप तो मत बोलिए अनुराग जी। कल मैंने सुना आपने बोला फौजी के बच्चे हैं। मैं एक वायु सैनिक की पत्नी हूँ, मैं एक वायु सैनिक की पत्नी हूँ और 26 साल का एयरफोर्स मैंने देखी है, 34 साल मेरे पति ने इस देश को दिए हैं। आप अगर वाकई आपने बॉस देखी है तो आप सुन कैसे सकते हैं किसी व्यक्ति से ऐसी बात? अच्छा मुझे गलत है, 4 साल सुनिए सुने, आप मुझे ये बताइए आप क्यों नहीं चाहते कि 17.5 साल का एक बच्चा 21.5 साल में 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर के जब बाहर निकल रहा है तो उसके पास 12 लाख रुपए, गरीब गांव से, मैं उत्तराखंड से, इतने बच्चे फौज में भर्ती होते हैं। दिखाइए मुझे आप कौन सा 21.5 साल का बच्चा है जिसके पास 21.5 साल में 12 लाख रुपए भी है, 12वीं की उसके पास सर्टिफिकेट भी है, उसके अलावा उसके पास जितने भी ठीक है, मैं एक बार किल वाले सारे सर्टिफिकेट है दिखा दीजिए ना अनुराग जी। अर्थ का अनर्थ मत कीजिए अनुराग जी, क्योंकि आपको मोदी जी की खिलाफत करनी है, क्योंकि आपको भाजपा की और आपकी सरकार की खिलाफत करनी है, तो आप युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, आप देश को जला रहे हैं।